नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब तक की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इशरत को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इशरत जहां पिछले करीब 50 दिनों से दिल्ली के खुरेजी में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पिछले रविवार को खुरेजी रोड जाम करने में भी इशरत जहां का नाम आया था। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा भड़कने के बाद शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में अधिकांश जगहों पर माहौल शांतिपूर्ण है। हालांकि जिन जगहों पर हिंसा हुई है उनके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा लोगों के एकत्र होने या फिर बड़ी सभा पर अब भी प्रतिबंध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल है। गृह मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक स्थानों से अधिकांश मलबा हटा दिया गया है। हिंसा में 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस ने अब तक 123 एफआईआर दर्ज की है और 630 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामलों की जांच के लिए 2 एसआईटी टीम बनाई है। 24 फरवरी के बाद से उत्तर पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में 7000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो दोस्तों, इन दंगे भड़काने वालों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगले खबर के लिए बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर दिल्ली हिंसा से खबर आ रही है। प्रवेश वर्मा का ऐलान, रतनलाल और अंकित शर्मा के परिवारों को दूंगा अपनी एक एक महीने की सैलरी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में घायल करीब 300 लोग जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। हिंसा के बाद से कई लोग लापता है। दिल्ली पुलिस गुमशुदा लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल और खुफिया विभाग के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत हो चुकी है। रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया गया है और अंकित के परिजन इसकी मांग कर रहे हैं। पश्चिम दिल्ली के लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने रतनलाल और अंकित परिवार को अपनी एक एक महीने की सैलरी देने का ऐलान किया है। प्रवेश वर्मा ने कुछ देर पहले ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद होने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद रतनलाल और आईबी ऑफिसर शहीद अंकित शर्मा के परिवारों को मैं बतौर सांसद मिलने वाली मेरी एक एक महीने की तनख्वाह समर्पित करता हूं। जय हिंद। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर दिल्ली हिंसा में दंगाइयों ने जलाया जवान का घर, बीएसएफ ने दिए 10-10 लाख और दिल्ली करेगा ट्रांसफर। दरअसल दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल दिल्ली हिंसा में अपना घर खोने वाले कांस्टेबल की मदद के लिए आगे आए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने बीएसएफ के घर में आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। जब मीडिया रिपोर्ट के जरिए बीएसएफ को इसका पता लगा तो उन्होंने जवान के पिता से संपर्क किया और उसके परिवार की मदद के लिए शनिवार को खजूरी खास उसके घर राहत सामग्री लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जवान उड़ीसा में तैनात है। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर अपनी टीम के साथ राहत सामग्री लेकर पहुंचे। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बीएसएफ की तरफ से उनका मकान ठीक कराया जाएगा और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस दरिया दिल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर रविशंकर बोले, कुछ लोग बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे लेकिन वे अयोध्या में रामलला के जन्म के मांग रहे थे सबूत। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में नागरिकता कानून एनआरसी और एनपीआर को लेकर हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन लोगों पर निशाना साधा जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सवाल उठा रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, ये ठीक है, लेकिन वही लोग अयोध्या में रामलला के जन्म का सबूत भी मांग रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हजारों साल से दुनिया यह मान रही है। गौरतलब है कि देश में अब जनगणना होनी है लेकिन कुछ नेताओं की तरफ से लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि वह एनपीआर के वक्त आए लोगों को अपने कागजात नहीं दिखाएं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से यह बोलकर उन लोगों पर निशाना साधा गया है। क्या आप भी रविशंकर प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों पर अत्याचार रोकने को लेकर कानून सख्त बनाया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परेड मैदान में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए। इसके बाद उन्होंने सामाजिक अधिकारिता शिविर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में करीब 9000 कैंप लगवाए हैं। पीएम ने कहा कि पिछली सरकार के 5 साल में जहां दिव्यांगजनों को 380 करोड़ रुपए से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे हैं। बीते 4 से 5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिव्यांगजनों के लिए सुगम
सुगम्य बनाई जा चुकी है। जो बची हुई है उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों से कहा है कि पहले अगर बैंक में आपके 10 लाख रुपए थे और बैंक डूब जाए तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था। हमने अब नियम बदलकर 1 लाख की जगह 5 लाख कर दिया है। लोगों के पैसों को सुरक्षित करने का काम हमने किया है। इससे बैंकों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्ग को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उसका निवेश सुरक्षित रहे, इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय योजना भी शुरू की थी। इसका मकसद यही था कि अगर बाजार में ब्याज दरें कम हो जाएं तो उसका प्रभाव उन पर कम से कम पड़े। तो दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए इतने बड़े ऐलान को लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से, जहां पर जंतर मंतर पर कपिल मिश्रा का शांति मार्च। ट्वीट करके बोला, पीड़ित परिवारों को आपकी मदद की जरूरत। दरअसल दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ शनिवार को जंतर मंतर पर शांति मार्च का आयोजन किया गया। इस हिंसा में 42 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों के हाथों में तिरंगा था और हवा में जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। एनजीओ दिल्ली पीस फोरम की ओर से आयोजित इस मार्च में भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी मौजूद थे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली से दूर अखलाक के घर तुरंत दौड़कर जाने वाले केजरीवाल को मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर अंकित शर्मा के घर जाने का टाइम अभी तक नहीं मिला। अंकित के घर भी जाओ सीएम अरविंद केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि दोस्तों, दिल्ली के दंगों में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए, उन्हें दोबारा खड़े करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, साथ दीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भी कपिल मिश्रा का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर बताएं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। दरअसल दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और उकसाने वाले पेशेवर लोग सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सौहार्द कार्यक्रम होगा। नकवी ने कहा कि भड़काने वाले और मुजरिम जेल में होंगे तथा शांति एवं सौहार्द कार्यक्रम होगा, यह हमारी प्रतिबद्धता तथा विश्वास होना चाहिए। नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि हिंसा के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कुछ राजनीतिक दल तथा भड़काने वाले पेशेवर लोग उनके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक दंगों की धर्म निरपेक्ष सवारी बंद होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को न्याय मिले और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए तथा शांति एवं सौहार्द बहाल हो। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 42 हो गई है। नकवी ने कहा कि जब हमने हिंसा तथा अराजकता की खबरें सुनी तो उसी वक्त सौहार्द और भाईचारे के कई उदाहरण भी देखे। यह मेरे भारत की विविधता में एकता की ताकत है। उन्होंने कहा कि एकता और सौहार्द धर्म निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक भारत की आत्मा है। हमें किसी भी परिस्थिति में भारत की आत्मा तथा ताकत को कमजोर नहीं होने देना है। तो दोस्तों, क्या आप भी नकवी के बातों का समर्थन करते, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कल से बदल रहे कुछ जरूरी खबरें हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन बैंक ने लिया बड़ा फैसला। 1 मार्च 2020 से बैंक 2000 रुपए के नोट से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों को एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे। इंडियन बैंक ने फैसला किया है कि वो अपने एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं डालेगा। इसके लिए बैंक ने अपने सभी ब्रांच को जानकारी भी दे दी है। साथ ही दोस्तों, बैंक के सर्कुलर के अनुसार 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के एटीएम में 2000 रुपए के नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी यह उपलब्ध नहीं होंगे। साथ ही बैंक ने कहा है कि ग्राहकों के लिए एटीएम मशीनों में 200 रुपए के नोटों के कैसेट्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपके सामने लेकर आए थे। आपको ये सारी खबरें कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।